कोरोना काल के दौरान जमीनों की रजिस्ट्री में हुई धांधली पर रिवेन्यू डिपार्टमेंट की कार्रवाई से नाराज पटवारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। हैप्ट रिवारियों के जमीन और रजिस्ट्रेशन मामले में उन्हें दिए गए नोटिस को लेकर नाराजगी है। उनका आरोप है कि उन्हें बेवजह इस मामले में फंसाया जा रहा है। इस पर हमारी संवाददाता शिवानी लोहिया ने पटवारियों से बातचीत की। क्या कुछ कहा पटवारियों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। 2021 तक जो 7A की जो रजिस्ट्री थी उनको मनाही की गई थी, लेकिन बावजूद इसके 7A की जो रजिस्ट्रियां है वो हो रही थी, लेकिन लगातार इस पर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब जब ये सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा लिस्ट जारी की गई है, तो इसमें तमाम तरह की जो असमंजस है वो है, और इसी के चलते यहाँ पर फिलहाल हम गुरुग्राम में मौजूद हैं, और यहाँ पर पटवारी जो है 2 दिनों के सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। और क्या कुछ बातें हैं इनकी, क्यों यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, इनसे जानते हैं। आप लोग यहाँ पर 2 दिन के सांकेतिक धरने पर बैठे हैं, क्यों? यहाँ पे जो सेवानिवृत्त तहसीलदारों ने जो रजिस्ट्री की है उसमें सरकार ने क्या किया कि इनको दोषी बता दिया पटवारियों को, जबकि पटवारियों कोई लेन देन नहीं है। जो जिस बेस पे हम काम करते हैं, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, उसमें होती है गिरदावरी, गिरदावरी होती है मौके पे, और जब भी गिरदावरी होती है उसकी पड़ताल करते हैं, तहसीलदार भी करता है, DRO साहब भी करते हैं, DC साहब भी करते हैं। अगर यहाँ पे हम पटवार घर में बैठे हैं, अगर यहाँ पे मैं गेहूँ भर दूंगा आएंगे तो DC साहब चेक करने के लिए, तो उसी टाइम सस्पेंड कर देंगे मेरे को। तूने गेहूं कैसे भर दिया, यहाँ तो बिल्डिंग बनी है, अगर मैं बिल्डिंग भरता हूँ तो भी मैं फंसता हूँ, फिर बोलेंगे। मतलब आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा हो रहा है, ये तो कुछ नहीं है जो तहसीलदारों ने रजिस्ट्री करी, ये डाइवर्ट करने के लिए पटवारियों को मुद्दा बना दिया, कोई भी नहीं है। बिल्कुल, इनका कहना है कि मामले को डाइवर्ट करने के लिए जो है यहाँ पर जो है पटवारियों को जो है फिलहाल जो है उनको इस बात में फंसा जा रहा है, और यहाँ पर इन पटवारियों की जो है वो कोई गलती नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और तमाम क्या कुछ मसले जो है वो सामने निकल कर आते हैं वो बात करते हैं। आपको क्या लगता है सरकार ने जो ये आप लोगों को दोषी करार किया है, क्यों किया है? ये बिल्कुल गलत किया है। पहले तो हम आपके चैनल का यहाँ आने पर धन्यवाद करते हैं। ये सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी है 7A में रजिस्ट्री करना ना करना, इससे पटवारी कानूनों का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करता है, सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री होने के उपरांत म्यूटेशन होने के लिए आती है, और जो जिस बारे हमें 7A में दोषी बनाया गया है, इसमें लिखा है लेटर में कि पटवारियों ने जमीन की किस्म बदल दी। अच्छा। जब एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन है, वो 6 कनाल जमीन में अपना घर और पशुओं के लिए चारे के लिए दीवार करके पूरी पुख्ता बिल्डिंग बना लेता है, तो हम गिरदावरी के वक्त जाएंगे क्या हम उसमें ईंख लिख देंगे? नहीं, कुछ नहीं लिख सकते हम उसमें। 10 एकड़ में से 9.25 एकड़ में तो लिखेंगे फसल जो मौके पर होगी। और इनका कहना है कि वो मैं समझ गए, इनका कहना जो है वो ये है कि 31 जनवरी को मैं जो है रिटायर हो चुका, और जब मैं ड्यूटी पर भी नहीं था तब की जो आरोप है वो मेरे ऊपर जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और तमाम लोगों से जो है वो बात करते हैं। क्या कहेंगे अंकल जी आप? मैं भी यही कहूँगा, अभी जो ये सरकार ने हमारे को चार्जशीट किया पटवारी कानूनों को, ये बलि का बकरा बना हुआ है। ये कहते हैं कि भी नेचर चेंज कर दी, किस्म चेंज कर दी। अरे भाई, पटवारी का काम तो मौके पे जाकर, जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल का पैरा कहता है उसके अनुसार मौके पे जाकर एंट्री करता है। अच्छा अंकल जी, जैसे सुनिए, सबसे अहम बात ये है, चलिए ठीक है आप लोग कह रहे हो, लेकिन सबसे अहम बात ये, जब गिरदावरी होती है ठीक है, तो जब 7A की वो है तो आपको करनी नहीं है वो फिर? नहीं नहीं, ऐसे तो होता नहीं ना, गिरदावरी तो हर 6 महीने में लैंड रिकॉर्ड मैनुअल हमारा जो करते हुए है वो करते हुए में है ये तो। हाँ, ये तो मैन करते हुए है। अहम आपको क्या लगता है, तहसीलदार की जो गलती है वो सरकार आप लोगों पर थोपना चाहती है? बिल्कुल, जो क्योंकि जो रजिस्ट्री का काम होता है वो तहसीलदार सब रजिस्ट्रार का काम होता है, उसमें पटवारी का कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल, इनका यही जो है साफ तौर पर कहना है कि जिस चीज से हमारा मतलब भी नहीं है, अगर 7A की रजिस्ट्री रुकवानी है तो वो तहसीलदार का काम है, अगर तहसीलदार उसकी रजिस्ट्री ही ना करेगा तो फिर हमारे पास जो है इंतकाल चढ़ाने के लिए ही नहीं आएगा। लेकिन जो यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि तहसीलदारों को बचाने के लिए यहाँ पर जो सरकार है वो जो है अब पटवारियों के गले पर जो है तलवार लटका रही है। अब देखना ये होगा कि जब यहाँ पर ये लोग पटवारी जो है सांतिक
कितने धरने पर बैठे हुए हैं, तो क्या सरकार इनकी बातों को सुनेगी, क्या सरकार के ऊपर इनका कोई असर पड़ेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी रोहिया, हर खबर गुरुग्राम। तो इस जिले में पुलिस